बच्चों, आज हम तुम लोगों से विज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ बातें करेंगे, ठीक है? अच्छा, क्या बताओ, तुम लोग अपने अपने घरों में दीवारों को कभी देखते हो? ध्यान से देखते हो ना? अच्छा, ये बताओ, ये दीवारें किससे बनी होती हैं? ईंटों से। ईंटों से बनी होती हैं? बिल्कुल उसी तरह हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली चीज़ें, जैसे कि तुम्हारी कॉपी किताबें हैं, ये कुर्सी में जिस पर तुम बैठे हुए हो, या आटा दाल चावल जो हम लोग खाते हैं, ये सब अणुओं से बनी होती है। किससे बनी होती है? अणुओं से, ठीक है? अच्छा राजू, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? बहन जी, हम अणुओं को पहचानेंगे कैसे? देखो बच्चों, अणु बहुत छोटा होता है, इतना ज़्यादा छोटा होता है कि उसको अपनी आँखों से हम नहीं देख सकते, ठीक है? उसको अणु को व्यक्त करने के लिए हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। जब अणु को हम प्रतीकों की सहायता से व्यक्त करते हैं तो उसको हम अणुसूत्र कहते हैं, ठीक है? और ये अणुसूत्र दो तरह का होता है, एक होता है तत्व का अणुसूत्र और दूसरा होता है यौगिक का अणुसूत्र, ठीक है? सबसे पहले तत्व के अणुसूत्र की बात करते हैं। तत्व में एक ही तरह के परमाणु होते हैं ना, तो तत्व का अणु भी एक ही तरह के परमाणुओं से बनता है। तो जब तत्व का अणुसूत्र हम लिखते हैं तो उसमें एक ही तरह के परमाणु होंगे ना। अच्छा, अब जैसे तुम लोग को एक चित्र दिखाते हैं। हाँ बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में देख रहे हो, तत्व ए है, ये तत्व ए के परमाणु है, ठीक है? अब तत्व ए के परमाणु से तत्व ए का अणु बना है। तुम देख रहे हो, इस अणु में एक ही तरह के परमाणु हैं, ए परमाणु, ठीक है? इसी तरह इस तत्व ए का अणुसूत्र बनता है A2, क्योंकि एक अणु में दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु ए हैं, ठीक है? अब तुमको एक और चित्र दिखाते हैं कि तत्व बी का चित्र है और इसमें तत्व बी के परमाणु हैं। तुम देख रहे हो ना, अलग अलग है ये, ठीक है? अब इसमें तत्व के दो परमाणु मिलकर यहाँ पे एक अणु बना रहे हैं, ठीक है? ये तत्व बी का अणु है, इसमें देखो दोनों एक तरह के परमाणु हैं, है ना, ठीक है? तो तुम देखोगे तत्व बी के एक अणु में दो परमाणु हैं और दोनों परमाणु एक से है, तो तत्व बी का अणुसूत्र हो गया B2। किसी तत्व के अणुसूत्र को लिखने के लिए सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी होता है कि उस तत्व के एक अणु में उस तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है? क्योंकि हर तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है। कुछ तत्व के एक अणु में दो परमाणु होते हैं, ठीक है? और कुछ तत्व के एक अणु में तीन परमाणु होते हैं, कुछ तत्व के अणु में चार परमाणु होते हैं, ठीक है? अब जैसे हमारे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं ना, जैसे कि एक दो गैसों के नाम बताओ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है, ठीक है? तो ये ऑक्सीजन का अणु जो होता है, ये दो परमाणु से बनता है जी। नाइट्रोजन का अणु भी दो परमाणु से बनता है जी। और हाइड्रोजन का अणु भी दो परमाणु से बनता है जी। अब तुम लोग एक चित्र और दिखाते हैं। देखो, ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ठीक है? और ये भी हाइड्रोजन का एक परमाणु है जी। ये हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन का एक अणु बना रहे हैं, ठीक है? और ये देखो, इस दूसरे वाले को ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन का क्या है? एक परमाणु है। और ये नाइट्रोजन का परमाणु है, और दो नाइट्रोजन के परमाणु मिलकर नाइट्रोजन का एक अणु बना रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो यानी कि हाइड्रोजन के एक अणु में दो परमाणु होते हैं और नाइट्रोजन के एक अणु में दो परमाणु होते हैं। और एक तत्व होता है फॉस्फोरस, उसके अणु में चार परमाणु होते हैं, ठीक है? और एक तत्व होता है सल्फर, उसके अणु में आठ परमाणु होते हैं। समझ में आई बात? इसको देखो कैसे दिखाते हैं। ओजोन के अणु को हम ऐसे दिखाते हैं, देखो एक एक ओजोन के अणु में तीन परमाणु, ठीक है? फास्फोरस का अणु P4, ठीक है? सल्फर का अणु S8। आगे बात समझ में? जी बहन जी। तो इससे तुम लोग को अणु सूत्र समझ में आ गया जी बहन जी, कि एक एक अणु में जितने परमाणुओं की संख्या होती है उसको नीचे लिखते हैं तो उससे अणु सूत्र बनता है, ठीक है? अब तुम लोग को अणु सूत्र की परिभाषा बताते हैं। किसी तत्व के एक अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणवी प्रतीक के समूह को तत्व का अणुसूत्र कहते हैं। बहन जी, पानी का क्या अणुसूत्र हो सकता है?
हाँ बिल्कुल होता है बहन जी। जो नमक हम खाते हैं क्या उनमें भी अणुसूत्र होता है? हाँ नमक का भी अणुसूत्र होता है, लेकिन तत्व के अणुसूत्र में और ये पानी और नमक के अणुसूत्र में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि न पानी और नमक या वायुमंडल में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ये यौगिक है, ठीक है। तो इसको ये यौगिक होते हैं, इनका अणुसूत्र दूसरी तरह से लिखा जाता है, तो इनका यौगिक अणुसूत्र होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यौगिक क्या होता है। यौगिक की परिभाषा आप लोगों को मालूम है? मालूम है, तब तो ये मालूम होगा कि यौगिक जो है दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर आपस में मिलाने से बनता है, ठीक है। तो यौगिक के अणु में, यौगिक के अणु में जो तत्व उपस्थित होते हैं उनकी परमाणुओं की संख्या हमेशा निश्चित होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यौगिक के अणु की रचना या संरचना बिल्कुल निश्चित होती है। बहन जी यौगिक के अणुओं को हम कैसे दर्शाते हैं? यौगिक के अणु को हम अणु सूत्र से दर्शाते हैं, ठीक है। अब यौगिकों के अणु सूत्र की तुमको परिभाषा बताते हैं। परमाणविक प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। यौगिक के अणु सूत्र कैसे लिखे जाते हैं? यौगिक अणु सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले है कि हम उदाहरण के लिए एक यौगिक ले लेते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड किन किन तत्वों से मिलकर बना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दो तत्वों से मिलकर बना है, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे तो जब भी हम यौगिक अणु सूत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम ये उनके प्रतीकों को लिख लेते हैं, जिन जिन तत्वों से ये मिलकर बना है उनके प्रतीकों को सबसे पहले लिखते हैं। कार्बन का प्रतीक सी और ऑक्सीजन का प्रतीक ओ, ये ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। इसके बाद दूसरे चरण में हम ये पता करते हैं कि दोनों तत्वों के कितने कितने परमाणु इस अणु सूत्र में उपस्थित हैं, ठीक है। कार्बन का एक परमाणु होता है और ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं, ठीक है। अब इन परमाणुओं की संख्या को, इन परमाणुओं की संख्या को उस तत्व के आगे दाहिनी तरफ पादांक के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। कार्बन का एक परमाणु होता है, इसको हमने यहाँ एक लिख दिया। ऑक्सीजन के दो परमाणु होते हैं, यहाँ हमने दो लिख दिया, ठीक है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र हुआ C1O2, ठीक। अब इसके बाद एक ध्यान देने वाली बात यह है, अगर किसी यौगिक के अणु सूत्र में किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर एक है तो उस संख्या एक को हम नहीं लिखते हैं, उसको हम हटा देते हैं। वहां पे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं का मतलब है एक, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ कार्बन के नीचे एक लिखा है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कार्बन का एक परमाणु। बात समझ में आ गई? तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र हुआ CO2। हाँ देखो बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का एक मॉडल है, ठीक है। इसमें तुम देखो, यहाँ से देखो, ये कार्बन का एक परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक है। कार्बन के एक परमाणु से दो ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ गए हैं। अब एक नई चीज बन गई है जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है? एक यौगिक। बहन जी जो हम पानी पीते हैं उसका अणु सूत्र कैसे लिखेंगे? तुम लोग को हम पानी का अणु सूत्र लिखना बताते हैं, और ये तुम्हारी सहायता से ही हम लिखेंगे, ठीक है। इसमें तुम लोग बताओगे मुझे, क्योंकि तुम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना सिखा दिया है मैंने, अब ये तुम लोग की सहायता से ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, पानी में कौन कौन से तत्व होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ बहुत सही बताया तुमने, पानी में दो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये बताओ कि सबसे पहले इनके प्रतीक लिख लेते हैं। चलो, हाइड्रोजन का प्रतीक H और ऑक्सीजन का प्रतीक O, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, पानी के अणु सूत्र में हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु होता है, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, यहाँ हाइड्रोजन के नीचे हम क्या लिखेंगे? H2 लिखा जाए, क्योंकि इसके दो परमाणु होते हैं इसलिए हम 2 लिखेंगे। और ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखेंगे? O1. एक तो हम लिखते नहीं, अभी हमने आपको बताया था, अगर एक परमाणु होता है तो एक तो लिखते नहीं है, तो यहाँ हम कुछ लिखेंगे नहीं, इसका मतलब अपने आप 1 हो गया, ठीक है।
तो पानी का अणुसूत्र क्या हुआ? H2O। तो मेरे पास ये पानी के अणु का एक मॉडल है, देख रहे हो ना, अच्छा लग रहा है देख के। इसमें देखो, एक ये ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन का परमाणु है, और ये हाइड्रोजन का परमाणु है, और ये हाइड्रोजन का परमाणु है। दो हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़े हुए हैं। अब ये बन गया है तो हमारा पानी का अणु। बहन जी, हमें अणु सूत्र से क्या क्या पता चलता है? अणु सूत्र से हम लोग को बहुत सी बातें पता चलती हैं। देखिए, मुख्य रूप से हमें तीन जानकारियां अणु सूत्र से मिलती हैं। उदाहरण के लिए हम तुमको नमक का अणु सूत्र बताते हैं। नमक का अणु सूत्र होता है NaCl। इसको हम सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये नमक का अणु सूत्र है, ठीक है? इससे हमें तीन जानकारियां मिलती हैं। पहली कि इससे हमको ये पता चलता है कि ये नमक का एक अणु है, ठीक है? यानी कि सोडियम क्लोराइड का ये एक अणु है, ठीक है? क्योंकि आगे इसके कोई संख्या नहीं लिखी है, इसलिए ये एक अणु है, ठीक? दूसरी बात इससे हमको ये मालूम पड़ती है कि ये किन किन, नमक का एक अणु किन किन तत्वों से मिलके बना है, ठीक है? इसमें दो तत्व हैं, Na सोडियम का प्रतीक है और Cl क्लोरीन का प्रतीक है। इसका मतलब ये दो तत्वों से मिलके बना है, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन, ठीक है? दूसरी बात हमको इससे ये मालूम पड़ी कि ये दो तत्वों से मिलके बना है, सोडियम और क्लोरीन। और तीसरी बात हमको इससे ये मालूम पड़ती है कि किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु यहाँ पर उपस्थित हैं। तुम लोग इस सूत्र को ध्यान से देखो और बताओ, सोडियम के कितने परमाणु हैं यहाँ पे? एक, बहुत सही बताया। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? एक, ठीक है? सोडियम का एक परमाणु है, क्लोरीन का एक परमाणु है। तो इस अणु सूत्र से हमको तीन बातें मालूम पड़ती है। अणुओं की संख्या को कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले इसके लिए हम अणु सूत्र लिख लेते हैं। जैसे मान लो हमको पानी के अणुओं की संख्या दिखानी है, ठीक है? सबसे पहले पानी का अणु सूत्र लिख लेंगे। पानी का अणु सूत्र किसी को पता है? हाँ बताओ, क्या होता है? H2O। थोड़ा तेज से बोलो बेटा। H2O। पानी का अणु सूत्र लिख लिया, H2O। अब मान लो इसके हमें पांच अणु दिखाने हैं। कितने अणु दिखाने हैं? पांच अणु। तो इसके आगे हम पांच लिख देते हैं, ठीक है? इस सूत्र का मतलब है पानी के पांच अणु, ठीक है? अच्छा, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड के 10 अणु दिखाने हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पहले सूत्र लिख लीजिए, ठीक है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, इसके आगे हम क्या लिख देंगे? 10। इस पूरे का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के 10 अणु, ठीक है? इससे हमको ये पता चलता है कि जो बाई तरफ आगे जो संख्या लिखी होती है वो अणुओं को संख्या बताती है, और जो नीचे संख्या लिखी होती है वो परमाणुओं की संख्या को बताती है, ठीक है? तो किसी भी यौगिक के अणु सूत्र में आगे लिखी संख्या, आगे लिखी संख्या अणुओं की संख्या को दिखाती है, और बीच में लिखी संख्या परमाणुओं की संख्या को दिखाती है। बात समझ में आ गई? जी बात जी। अच्छा, अब तुम लोगों को हम दैनिक जीवन में तुम्हारे जो बहुत सी चीज़ें उपयोग में आती हैं उनके कुछ, उन वो भी यौगिक होते हैं, उन यौगिकों के कुछ अणुसूत्र तुमको हम बता रहे हैं। तुम लोग उसको अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना और घर से याद करके आना। क्या होता है खाने वाले सोडे का इस्तेमाल? खाने वाला सोडा जिससे इडली बनती है, डोसा बनता है, इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है? तो तुम लोग ये अणु सूत्र सब उतार लेना अच्छे से, और इसको जो है याद भी कर लेना, ठीक है? अगली बार जब हम तुम मिलेंगे तो हम तुमको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्रदान करेंगे, ठीक है?